मोबाइल से ज्यादा बात करने से सुनने में समस्या होती है, शर्ट की जेब में रखने से हार्ट प्रॉब्लम होती है और भी न जाने क्या क्या आपने सुना होगा मोबाइल फोन्स के खतरों के बारे में। लेकिन इस बार मोबाइल ने किसी की जान बचाई है, कैसे आप खुद देखिए। खतरनाक पहलू आपने पढ़ा है, लेकिन घायल पड़े इस आदमी की जान एक मोबाइल ने ही बचाई। प्रवीण नाम के इस युवक पर इसके ही दो दोस्तों ने 3 गोलियां चलाई। निशाना सीने पर था, लेकिन गोली ऊपर की जेब में रखे मोबाइल पर लगी। मोबाइल तो बेकार हो गया, लेकिन प्रवीण की जान बच गई। मेरी जो पहली गोली लगी थी मेरे मोबाइल पे लगी थी, और वो मोबाइल पे लग के उसका जो वो था ना थोड़ा स्पीड था, वो कम हो गई, वो सीधे अंदर चली गई। तो मोबाइल ही था जिसने मेरी जान बचाई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की माने तो मोबाइल में लगे प्लास्टिक की वजह से हो सकता हो कि गोली की दिशा बदल गई, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मोबाइल के रेडिएशन शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे ऊपर की जेब में न रखा जाए। ये तो इतफाक की बात है कि भाई उनकी जान बच गई, बट वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप मोबाइल को हार्ट के पास रखें। इंडिया में अगर आपने अपनी जान बचानी है तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने, ये मोबाइल ना रखें जेब में। कुछ दिन पहले मुंबई में ऐसे ही एक वाकये में ऊपर की जेब में रखे 5 रुपए के सिक्के की वजह से एक आदमी की जान बच गई थी। कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, और इस बात की ताजा मिसाल है प्रवीण। अगर ऐसा न होता तो ना ही प्रवीण ऐन वक्त पर इस मोबाइल को अपनी जेब में रखता, और ना ही मामूली सा दिखने वाला ये मोबाइल उसके लिए बुलेट प्रूफ का काम करता। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया के लिए।